हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली यहां पे थीम को कस्टमाइज़ करने वाले हैं। और दोस्तों यहां पे बहुत लोगों को समस्या हो रही है कि ये थीम कहां से डाउनलोड करें सर, कैसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, प्लगइन कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, प्लीज़ बताइए। बहुत सारा कॉमेंट भी मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ था लेकिन लोग लगता है कि मिस कर चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि थीम वगैरह का जो भी वीडियो हमने बनाया है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि दोस्तों आप लोग जो भी नहीं देख पाए हैं हमारा सीरीज को, उसे देख करके कंप्लीट आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम यहाँ पर कम्प्लीटली थीम को कस्टमाइज़ करने वाले हैं। और अभी रमज़ान भी शुरू हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो डिले होगा, एक दिन में एक ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीटली देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे ब्लॉगर और न्यूज़ वाला वेबसाइट है जिसका हमने SEO नहीं किया था, तो उसका भी मैं यहाँ पे SEO शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थीम को कस्टमाइज़ कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ़ सबसे पहले उठा लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा आपको एरर फेरर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, सबको आपको एक्टिव एक्टिव कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे अभी 100 पोस्ट हो चुका है, अभी यहाँ पर 99 था, तो फिर से एक हम रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर हमेशा आपको पोस्ट देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक है और ये हमारा वेबसाइट है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 100 पोस्ट इसमें हो चुका है और ये पोस्ट अभी के डेट में हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे पोस्ट होता चला जाएगा। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे बताया था कि कुछ प्रोडक्ट जैसे चार्जर केबल ये वो डिश डास ये सब भी हम लोगों को ऐड करना है, तो ऐड करते चले जाइएगा, तो जो भी लोग आएंगे यहाँ पर आपका सामान बुक करते चले जाएँगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे कस्टमाइज़ करेंगे, यहाँ पर लोगो लगाएंगे, यहाँ पर इसका आइकन चेंज करेंगे और इसको हम एक स्टाइलिश वेबसाइट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थीम में जाना होगा, ठीक है। डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे जरीदा थीम है और जरीदा थीम सेटिंग में चले जाइए, ठीक है। तो सेटिंग में हम लोग जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फेविकॉन है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसे अपलोड के ऊपर करेंगे क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे दोस्तों आपको फाइल को सेलेक्ट करना है। चलिए हम लोग फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइल यहाँ पे होगा, यहाँ है, इसे ही हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो सिंपली दोस्तों ये 100% हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ दिस इमेज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, अब यहाँ पर आप लोग सेव कर लीजिए, जितना प्रोसेस करते चले जाएंगे उसको सेव करते चले जाइए, है ना। आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग मोबाइल में किस तरह से करना चाहते हैं ये सब कर सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद दोस्तों चलिए सबसे पहले हेडर पे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग लोगो लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कस्टम लोगो के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपलोड लोगो। तो लोगों को दोस्तों आप लोगों को पता ही है लोगों कैसे बनाना है नहीं बनाना है, सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पे एक यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे लोगों के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओपन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे लोगों अपलोड हो जाएगा। और लोगों हमेशा JPG में रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग यूज़ दिस इमेज के ऊपर कर लीजिए क्लिक, यहाँ पर इमेज आ जाता है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों यहाँ पर लोगों आ चुका है और यहाँ पर आइकन भी इसका चेंज हो चुका है, ठीक है। अब बात रही दोस्तों कि इसका हम होम पेज किस तरह से रखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सेटअप करते हैं, होम पेज के ऊपर करते हैं क्लिक। और दोस्तों यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह का फॉन्ट रखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग इसे सेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा थीम है दोस्तों, प्रीमियम थीम है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा सेटिंग मिलता है, ठीक है। तो
यहाँ पे इसे ऐड सेटिंग भी है, ठीक है, किस तरह का ऐड कहाँ पे लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऐड का तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों फूटर सेटिंग है, तो फूटर में आप किस तरह से रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग फूटर का टेक्स्ट दे सकते हैं, जो भी टेक्स्ट दीजिएगा वो टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है स्लाइडर, ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों स्लाइडर है, तो स्लाइडर को आप इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों हम यहाँ पे इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे होम पेज पहले सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो होम पेज में दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट है यहाँ पे और ब्लॉग लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग न्यूज़ बॉक्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, आपको थीम का एरिया दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेन एरिया में आपका सिर्फ इतना सा ही आएगा, बाकी इधर नहीं आएगा। और यहाँ पे फर्स्ट एरिया जो है इसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा, और सेकंड एरिया आपका भी यहाँ पे यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और सेकंड वेजेस लेंगे, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वेजेस यानी मेन एरिया को हमको टच नहीं करना है, चलिए मेन एरिया यहाँ पे है हमारा, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं और एक स्क्रॉलिंग ले लेते हैं, ठीक है, फिर एक बॉक्स ले लेते हैं, फिर एक स्क्रॉलिंग ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लोग फिर से एक बॉक्स ले लेते हैं और एक स्क्रॉलिंग ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है तीन, ठीक है। तो हमें चार लेना है, एक बॉक्स एक स्क्रॉलिंग लेना है, ठीक है। और अपने यहाँ पे देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने लगाया है। तो हम फिलहाल यहाँ पे सैमसंग और एप्पल में लगाए हुए हैं, तो एक सैमसंग का हम ले लेते हैं। यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे एप्पल दिया हुआ है, तो हम लोग एप्पल मोबाइल, यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा एप्पो मोबाइल है कि नहीं, नहीं है, सैमसंग मोबाइल है हमारा, सैमसंग मोबाइल हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम दिए थे ओप्पो शायद दिए हैं, नहीं दिए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सैमसंग मोबाइल दिया है, ठीक है। और लैपटॉप में हमने दिया है सोनी का दिया है और एप्पल दिया है, ठीक है। तो सोनी और एप्पल है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ चप्पल जूता है, तो चलिए हम लोग इसको सेट करते हैं। तो एप्पल लैपटॉप ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग इसे 10 देंगे, ठीक है। और उसके बाद स्क्रॉलिंग में भी वही रहेगा एप्पल, और यहाँ पे देंगे 10, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेते हैं सैमसंग मोबाइल, है ना, और यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं 10, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग ले लेते हैं स्क्रॉलिंग जो इसका है, तो सैमसंग मोबाइल, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 10, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हम लोग लेते हैं सोनी लैपटॉप, सोनी लैपटॉप, यहाँ पे करते हैं 10, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग करेंगे सोनी लैपटॉप, इसमें करेंगे यहाँ पे 10, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चप्पल ले लेते हैं, कैनवास का जो हमने जो किया था यहाँ पे यूज़, तो ले लेते हैं कैनवास शूज़, ठीक है, इसको करते हैं 10, और इसको भी करेंगे हम लोग कैनवास शूज़, ठीक है, इसको भी करेंगे 10, ठीक। और यहाँ पे आप एक रख लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं सोनी लैपटॉप ही रखते हैं, और इसको करते हैं 10, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग भी ले लिया जाए, स्क्रॉलिंग को क्यों छोड़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सोनी लैपटॉप, इसको भी करते हैं 10, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये आखिरी वाला जो बचता है हमारा, इसमें हम लोग दो दो बना लेते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं कैनवास शूज़, इसको करते हैं 10, और यहाँ पे हम लोग फिर करेंगे कैनवास शूज़, इसको करेंगे 10, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं सैमसंग मोबाइल, और इसको करते हैं 10, ठीक है। अपने हिसाब से जितना भी आपने बनाया है, जो जो आपका लेटेस्ट प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा बिकने वाला है, होम पेज में उसे सेट कीजिए, ठीक है। सैमसंग मोबाइल यहाँ पे करते हैं 10, है ना।
तो अभी हम इसके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सेटिंग को सेव नहीं किया है ना। तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस छोटा सा प्रोसेस था, इसको हम यहाँ पे सेव कर लिए है ना। अब सिंपली हम लोग इसे यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें होम पे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली देख सकते हैं आपका वेबसाइट यहाँ पर तैयार हो गया है, स्लाइडर भी हमने दे दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है ये साइट, और ये एक लग रहा है कि हाँ कोई वेबसाइट है ई कॉमर्स का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चप्पल जूता सब हम यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं। इसी तरह से जो सो जितना भी बॉक्स है आप लगा सकते हैं, जैसे जैसे कैटेगरी बनाइएगा वैसे वैसे आप यहाँ पे लगाइए। तो इसका देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका लुक खिल गया है ना। तो इस वेबसाइट का हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसे चेक कीजिएगा। और अभी यहाँ पे रमज़ान की वजह से अभी वीडियो में मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे LG लैपटॉप में भी कोई पोस्ट नहीं है, तो आप लोग मैं आपको दिखा देता हूँ जितना मैंने किया था उतना ही काम है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसी तरह का यहाँ पे आपको जैसा था वैसा ही मिलेगा, और सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलते हैं होम पे, ठीक है। 100 पोस्ट था हमारा और यहाँ पे 108 पोस्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री होस्टिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ये अनलिमिटेड है, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लुक खिल गया है इसका, और इसको हम लोग थोड़ा सा मोबाइल की तरह भी करके देखते हैं, ठीक है, कि मोबाइल में ये कैसा लगेगा। तो ये रहेगा मोबाइल में, इस टाइप का मोबाइल में लगेगा है ना, देख सकते हैं मोबाइल में भी आपको अच्छा ही लगेगा देखने में, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड इमेज है तो इसको भी हम लोग कुछ करेंगे हटाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दोस्तों यहाँ पे अभी कंप्यूटर में है ना, तो इसीलिए ये अभी भागा हुआ है, जब मोबाइल में खोलिएगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम यहाँ पे मोबाइल की तरह है। जैसे ही हम लोग यहाँ को ओपन करते हैं देख रहे हैं फ्लिपकार्ट भी यहाँ पे आपका दिख रहा है ना। तो दोस्तों इसमें और कुछ नहीं करना है, बस आपका हमारा लगभग हो चुका है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके थीम को फुल्ली कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे में अर्थर फर्थर का हम लोग पेज वगैरह लगाएंगे, सोशल मीडिया लिंक तिंक किस तरह से लगा सकते हैं अपना यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ये सबको हम लोग अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।